प्रणाम गुरुदेव जी। मैंने 8 साल पहले आपकी दीक्षा ली थी और मैं जब से आप प्राणायाम जब तप सब कर रहा हूँ, मेरे जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं तपस्या उस अपनी वो साधना करता हूँ, मंत्र चालू रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संसार से कुटप हो गया, मुझे अपना ध्यान नहीं रहता, तो मुझे कुछ डर सा लगता है, इसके बारे में मुझे आप बताइए। डर लगता है तो देह में प्रीति है, और डर लगता है तो मन को लगता है मैं उसको जानता हूँ। मन को डरना है तो डरे, मैं डर का भी साक्षी हूँ, और हम हैं अपने आप डर के बाप। आप आगे ऐसी जारी रखेंगे? हाँ, जारी क्या रखना है, ओम करके चुप हो जाया करो। ये जो जैसा साधना बताते ना, हरिओम करके चुप, इसको बढ़ा दो। ईश्वर की ओर, भगवान नाम नहीं, ईश्वर की ओर और नारायण स्तुति, उस पुस्तक का अध्ययन और ध्यान, फिर अध्ययन फिर ध्यान, इससे एकदम बढ़िया हो जाएगा। मैंने कई बार आपके मिलने की कोशिश की लेकिन आपसे मिल नहीं पाया, तो मेरे मन में ये धारणा आई कि शायद गुरुजी जो अमीर लोगों से ही मिल पाते हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जी आपसे। चलो, ऐसा नहीं है, आपके आपके द्वारा, आपसे आशीर्वाद के द्वारा मेरे सब काम जो भी मैंने सोचा अब तक सिद्ध होते चले आए गुरुजी। तो फिर अमीरों से कैसे मिलते हैं, तुम्हारे से भी मिलते हैं गुरुजी। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, नहीं मिलते तो भीतर से तो मिले मिलाए हैं सबसे, आप मुझे क्षमा कर दीजिए इस बार। कोई बात नहीं।